गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैंने आपको मीडियम बताया, आज हम पढ़ेंगे मीन। मीन जिसको हम बोलते हैं समांतर मार्ग। इसको हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, एक्स बार। यहां भी मीन में जैसे कि मैंने आपको मोड और मीडियन बताया था, तीन सीरीज होगी। पहला इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड ग्रुपेड सीरीज। ग्रुपेड सीरीज इन तीनों सीरीज की मैंने आपको पहचान ही बताई थी। इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्लास इंटरवल भी नहीं होता, ये भी नहीं। लेकिन डिस्टेंस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास इंटरवल नहीं होता। और ग्रुपेड सीरीज में फ्रीक्वेंसी भी होती है और क्लास इंटरवल होता है। क्लियर? आज हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज करेंगे, पहला, ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज, अगर आपको बोला जाए इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करना है, मीन बताना, तो इंडिविजुअल सीरीज में दो फॉर्मूले होते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, और दूसरा शॉर्टकट। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ये दो मेथड्स पढ़ने हैं। इन डायरेक्ट मेथड्स का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स के बाद एन, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। क्लियर? डायरेक्ट मेथड्स का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन। अब लेते हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है क्वेश्चन, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पे आपको डेटा दे दिया जाता है, आपको डेटा दे दिया गया। इसमें फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, इंडिविजुअल सीरीज सिर्फ डेटा लगता है। अब आपको इसमें से मीन निकालना है, तो ये दो तरीके से बनेगा।
जो मैंने आपको दो फार्मूला बताए, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, इस मेथड्स को आपको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस मेथड्स के तहत आपको जो डेटा है उसको एक्स मानते हैं, आप एक्स के लिए कॉलम बना लीजिए और जो डेटा दिया गया है आपको क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए 132 140 144 136 और 148। ये आपने डेटा लिख लिया, तो यहां पे साइड में सीरियल नंबर लिख दीजिए जिसको आप बोलेंगे क्रमांक। जितना डेटा है उतने क्रमांक को देंगे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? इस प्रकार से एक चार्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद आप एन आसानी से जान लेंगे, जितना सीरियल नंबर है वो उसका एन है 1 2 3 4 5, तो एन कितना हो गया 5। और ये एक्स है तो इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एक्स। अब इसको टोटल कर लीजिए 6 12 20 का 2 carry 2 5 9 13 13 और 3 16 और 4 20 का 0 carry 2 1 2 3 4 5 और 2 7। सिग्मा एक्स कितना है आपका 700। क्लियर? अब आपको यहां पे फार्मूला यूज करना है। डायरेक्ट मेथड्स का फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 700। तो ये 700 अपॉन एन, एन कितना है आपका 5 है, 5 डिवाइड कर दीजिए 5 से, एक्स 1 4, एक्स कितना आया आपका, मीन कितना आया 140। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो डेटा दिया गया था उसका मीन कितना हो रहा है 140। क्लियर? ये किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से आपने इसको सॉल्व किया। नोट कर लीजिए। क्लियर? अब मिटा देते हैं इसको। अब जैसे इसी क्वेश्चन को आपको सेकंड वाला जो मेथड्स मैंने बताया था, सेकंड मेथड्स है शॉर्टकट मेथड, इससे सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड मेथड शॉर्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। इसके इस फॉर्मूला से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस डेटा से मीन लाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर सीरियल नंबर बना लीजिए, सीरियल नंबर फिर डेटा को एक्स मानते हैं आप, एक्स के लिए कॉलम बनाएंगे और फिर उसके बाद आप एज्यूमिंग मीन मान लीजिए। सबसे पहले एक्स को लिख दीजिए 132 140 144 136 148। ये आपने डेटा लिख दिया। अब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, एन आपका क्या आ गया 5, एन इक्वल टू 5।
को आपने उतार दिया। अब dx निकालेंगे, dx मींस विचलन, dx मींस विचलन। जब मैं आपको और यहां पे समझा देता हूं, x इक्वल टू समांतर मार्ग सिग्मा dx इक्वल टू विचलनों का योग, सम ऑफ डिविएशन, सम ऑफ डिविएशन और n पदों की संख्या। क्लियर? ये नोट कर लीजिए। dx बनाना है, dx मतलब विचलनों का योग। उसके लिए करते हैं हम a, a इक्वल टू जनरली हम बीच को मानते हैं 144 को मान लीजिए। कभी भी a जो आप एज्यूम्ड मीन मानते हैं, a मतलब क्या होता है, a इक्वल टू एज्यूम्ड मीन। कल्पित मान, ए मींस एज्यूम्ड मीन, कल्पित मान। ए कितना है आपका 144। तो एक डीएक्स क्या होता है, डीएक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। क्लियर? अब पहली वाली डेटा को लेंगे, ये है 132। x माइनस ए मतलब 132 माइनस ए, आपने एज्यूम्ड मीन माना है 144। तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा ये माइनस 12, यहां पे लिख दीजिए इसको माइनस 12। इसी प्रकार 140 x है और a 144 है तो माइनस 4, 144 माइनस 144 करेंगे तो हो जाएगा 0। अब 136 माइनस 144 तो माइनस माइनस 8, 148 माइनस 144 तो ये हो जाएगा प्लस 4। क्लियर? ये जो dx है आपका x माइनस a, ये समझ गए, ये x है जिस जो आपने लिखा है, जो डेटा है वो x है और a क्या है, एज्यूम्ड मीन। आपने कल्पित माध्य माना है कि इस डेटा का कल्पित माध्य 144, और 144 को क्या लिया, जनरली हम सेंटर की जो भी डेटा रहती है, मध्य की जो डेटा रहती है उसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, इसलिए 144 को माना। क्लियर? ठीक है। अब 132 में 144 को आपने माइनस किया तो ये माइनस 12 आया, 140 में 144 को आपने माइनस किया तो माइनस 4 आया, 144 माइनस 144 तो 0, 136 में आपने 144 को माइनस किया तो फिर माइनस 8 आया, और 148 में आपने 144 को माइनस किया तो प्लस 4 आया। अब ये देखिए इसका जो टोटल होगा वो होगा सिग्मा डी एक्स। माइनस को पहले छोड़ दीजिए, माइनस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है 24, 8 और 12 20 और 4, 24 और प्लस 4 हो रहा है, तो ये सिग्मा डी एक्स कितना आया, प्लस 4 को हटा दीजिए माइनस 20। क्लियर? आपका डी एक्स कितना आया माइनस। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, x बार ये आपका मीन, a a कितना मान है, देखिए a इक्वल टू 144 है तो यहां पे लिख लीजिए 144।
सिग्मा डी एक्स माइनस 20, तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 20, एन कितना है 5 है आपका, क्लियर। एक्स इक्वल टू 144 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे आप तो बचेगा 4, ये हो गया माइनस 4, ठीक है। इसलिए एक्स बार इक्वल टू 140, ये आपका मीन आ गया 140। आपने ध्यान दिया होगा जो पहला वाला मेथड्स था, पहला मेथड्स जो डायरेक्ट मेथड था उसमें भी इस डेटा का मीन 140 आया था, और सेकंड मेथड जो था शॉर्टकट उसमें भी इस डेटा का मीन 140 आया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।